मैनी टाइम क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड। उसने कभी आपको चीट किया, आपको धोखा दिया या कुछ ऐसा काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था और आपने उसको छोड़ने का डिसीजन ले लिया होता है, उसके बाद वो इंसान खुद सामने से माफ़ी मांगता है, अपने आप को सुधारने का प्रॉमिस करता है और ऐसे में आप उसको एक मौका दे भी देते हैं कुछ सोचकर, जो कि अच्छा काम है। लेकिन वो मौका देने के बाद जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ता नहीं सुधर पाता, वो इंसान नहीं सुधर पाता, आज मैं करूँगी इसी बारे में बात। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए होता क्या है कि उस इंसान ने एक गलती की जिसका पछतावा उसको है, जिसके लिए माफ़ी उसने मांगी है और आपने एक मौका दिया है। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि आप भी समवेयर डीप डाउन हर्ट हैं, दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है उसके बिहेवियर से, तो आप एकदम उन चीज़ों को भूल नहीं पाते। हालांकि आपने मौका दिया है समझदारी में, लेकिन दुखी तो आप है ना, उसके वजह से आप बार बार उसको टोंट कसते रहते हैं। ज़रा सी भी कोई गलती होने पर आप उसको उसी गलती का, उसी धोखे का एहसास दिलवाते रहते हैं, उसको बार बार ये बताते हैं कि यार तुम तो ऐसे करते थे, मैंने तो ये चीज़ बहुत भुगती है, तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसी थी। मीन्स आप रिपीटेडली उन्हीं चीज़ों का एहसास करवा रही हैं, उन्हीं बातों पर ताने दे रही हैं जिसके लिए वो इंसान आपको सॉरी बोल चुका है। ऐसे में जब आप उसको बार बार उसकी पास्ट मिस्टेक्स को रियलाइज करवाते हैं, बार बार उसके आगे टोंट कसते हैं, नीचा दिखाते हैं या फिर ये बताते हैं कि वो कितना ख़राब है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से, तो वो इंसान चाहकर भी सुधर नहीं पाता, चाहकर भी उन चीज़ों को भूल नहीं पाता, कि वो इंसान आपके साथ में एफर्ट करता है अच्छे से अच्छा बिहेव करने का, अपनी गलती सुधारने का। ऐसे में आपका उस पास्ट को पकड़े रहना और उसको बार बार वो याद दिलवाना उसको आगे नहीं बढ़ने देता, उसको फेडअप कर देता है, उसको परेशान कर देता है। और इस वजह से एक टाइम वो आता है कि वो भी खुलकर आपसे लड़ता है अपनी पास्ट मिस्टेक पर, कि यार कर दिया तो क्या हो गया, सब करते हैं, मतलब वो अग्रेसिव हो जाता है। जिस चीज़ के लिए वो कल तक सॉरी बोल रहा था ना, उसी चीज़ के लिए वो आपके मुंह पर खुलकर बोलेगा कि मैंने किया तो क्या गलत किया। ये इसलिए नहीं है कि उसको एहसास नहीं अपनी गलती का, ये इसलिए है कि आप बार बार टोंट कस कस के उसको आपने परेशान कर रखा है। सो मौका तो आपको देना है, लेकिन एक प्रॉपर वे में देना है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर को एक मौका दे ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो शुरुआत आपकी है ना, वो शुरुआत आप दोनों के लिए एक नए सिरे से हो। जिस दिन से आप मौका देते हैं ना, उससे पहले का जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उसके बारे में आप दोबारा बात ना करें, उसके बारे में कोई टोंट ना कसें, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, तभी वो रिश्ता सुधरेगा। अगर आप ये ख्याल नहीं रखते हैं तो आपका रिश्ता कभी नहीं सुधरने वाला, वो इंसान आपसे नफरत करने लगेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो अगर आप अपने पार्टनर को एक मौका दे ही रहे हैं, दोबारा से एक शुरुआत कर रहे हैं, तो उसकी गलतियों का एहसास उसको बार बार ना करवाएं।